आज जिस पोएम को हम पढ़ने जा रहे हैं इस पोएम का नाम है स्कूल बॉय और इसे लिखा है विलियम ब्लैक ने इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं इस बुक में दिया हुआ है विलियम ब्लैक के बारे में अबाउट द पोएट विलियम ब्लैक वाज एन इंग्लिश पोएट पेंटर एंड प्रिंट मेकर विलियम ब्लैक एक अंग्रेजी कवि चित्रकार और प्रिंट मेकर थे ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द रोमांटिक एज उन्हें रोमांटिक युग के महानतम कवियों में से एक माना जाता है ब्लैक बिलीव दैट द इमेजिनेशन शुडंट बी कर्ब्ड एंड दैट स्कूल्स मस्ट इनकरेज क्रिएटिव थॉट एंड लव ऑफ नेचर अमंग चिल्ड्रेन ब्लैक का मानना था कि, कि कल्पना पर अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए इमेजिनेशन पर और स्कूलों को बच्चों के बीच रचनात्मक विचार और प्रकृति के प्यार को प्रोत्साहित करना चाहिए सम ऑफ हिज फेमस पोएम्स आर द टाइगर द लैम लंदन एंड द पोइजन ट्री उनके कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं जिनका नाम है द टाइगर द लैम द लंदन सॉरी लंडन एंड द पोजन ट्री ये उनके द्वारा पोयम लिखे हुए थे कुछ शब्द भी हैं जैसे विंड्स विंड्स का मतलब होता है साउंड्स ब्लोज

तो देखिए इस किताब को पढ़ने से पहले मैं इस बच्चे के बारे में थोड़ा बता देता हूँ ये जो बच्चा है ना ये द स्कूल बॉय इज़ इन द पोएम इज़ नॉट अ हैप्पी चाइल्ड ये एक इस पोएम में जिस बच्चे को दिखलाया गया है वो एक हैप्पी uh, बच्चा नहीं है वो बच्चा खुश नहीं है क्यों वो अपने आप को अनहैप्पी बता रहा है क्या ऐसी बातें हैं जो उसे अनहैप्पी कर रही हैं तो सबसे पहली बात है कि वो जो बच्चा है ना अपनी तुलना उस पिंजड़े में बंद पक्षी से कर रहा है बोल रहा है कि वाई डज़ ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव्स इन अ केज वो अपनी तुलना क्यों पिंजरे में बंद पक्षी से कर रहा है वो अपनी तुलना एक फूल खिलने से पहले मुरझाए हुए पौधे से कर रहा है आखिर क्या वजह है तो देखिए ये जो बच्चा है ना ये बच्चा जो मैं आपको किक स्टार्ट अभी पढ़ाऊंगा ये जो ये जो बच्चा है ना ये गर्मी की छुट्टी में खूब मस्ती किया है खेला कूदा है और जब स्कूल खुलता है और उसे जब स्कूल जाना होता है तो आप सोचिए कि एक बच्चा जो एक महीने तक स्कूल ना गया हो दिन भर खेला हो और अचानक उस फिर उससे आप स्कूल में ले जाएँ तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा क्योंकि उसने एक महीने तक खूब मस्ती की है खूब वो पार्क में गया है डिजनी डिजनी लैंड गया है और अलग अलग जगह टूरिस्ट प्लेस पे गया है उसके मम्मी पापा उसे घुमाने ले गए हैं दिन भर वो मस्ती किया है अब उसे किताब के बोझ के तले दबना है उसे टीचर की डांट सुननी है उसे मार भी पड़ने वाला है और उससे सब कुछ याद करना है होमवर्क बनाना है तो अब वो इन सब चीज़ों को बोरियत फील कर रहा है और सोच रहा है कि ये सब फालतू चीजें हैं हर बच्चे को ये लगता है तो देख लेते हैं इसमें किक स्टार्ट में क्या है स्टार्ट डू यू लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू स्कूल क्या आप स्कूल जाने के लिए इच्छुक हैं इट इज ऑफेंस सेड दैट स्कूल डेज आर बेस्ट टाइम्स इन अ पर्सन लाइफ अक्सर यह कहा जाता है कि स्कूल के दिन किसी व्यक्ति के जीवन के सबसे अच्छे समय होते हैं स्टूडेंट्स लाइफ इज अ गोल्डन लाइफ आपने सुना भी होगा बट देयर आर ऑल्सो मोमेंट्स वेन अ चाइल्ड वॉन्ट्स टू स्पेंड द डे प्लेइंग इंस्टीड ऑफ पोरिंग ओवर बुक्स इन द क्लास रूम लेकिन ऐसे क्षण भी होते हैं पोरिंग का मतलब होता है अध्ययन करना ठीक है लेकिन ऐसे क्षण भी होते हैं जब एक बच्चा कक्षा में किताबों पर ध्यान देने के बजाय पढ़ाई करने के बजाय खेल में दिन बिताना चाहता है और चाहता है कि दिन भर मैं खेलूँ रीड दिस पोएम अबाउट ए चाइल्ड्स व्यू ऑफ स्कूल स्कूल के बारे में एक बच्चे के दृष्टिकोण क्या है इस कविता को आप पढ़ें तब जाकर आप समझेंगे तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ शायद आपको अच्छे से दिखे अब इससे ज़्यादा जूम तो नहीं हो पा रहा है चलिए हम स्टार्ट करते हैं आई लव टू राइज इन समर मॉर्न ये बच्चा बोल रहा है स्काई लार्क विद मी ओ वर्ट स्वीट कंपनी देखिए यहाँ पे स्काई लार्क एक शब्द आ रहा है स्काई लार्क एक, स्काई लार्क एक पक्षी का नाम है उस पक्षी का नाम है चातक या चकवा उस पक्षी को हम चातक भी बोलते हैं चातक पक्षी और चकवा पक्षी बहुत सारी कहानियाँ इन इन पक्षियों के ऊपर में कभी मौका मिलेगा तो हिंदी में भी मैं उन कविता उन कहानियों को पढ़ा दूँगा कभी लेकिन आज देख लेते हैं इसका हिंदी आई लव टू राइज़ इन अ समर मॉर्न मुझे गर्मियों की सुबह में उठना अच्छा लगता है वन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री जब पक्षी चिड़िया हर पेड़ पर गाना गाती हैं द डिस्टेंट हंस हंसमैन विंड्स इज हॉर्न जब दूर एक शिकारी अपना भोपू बजा रहा है हॉर्न का मतलब होता है सिंग हॉर्न का मतलब होता है भोपू भी बोलते हैं उसको बिगुल भी बोलते हैं ठीक है ठीके? जब दूर एक शिकारी अपना बिगुल या भोपू बजा रहा है एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी और चातक पक्षी मेरे साथ गाती है अगर आप चातक पक्षी नहीं बोलना चाहते तो स्काई लार्क आप बोल सकते हैं और स्काई लार्क मेरे साथ गाती है ओ वॉड स्वीट कंपनी और वाह कितना मधुर साथ जब जब वो पक्षी गीत गाती है तो उसका साथ जब इस बच्चे को मिलता है तो वो क्या होता है बहुत अच्छा हो जाता है कंपनी मतलब साथ उसका साथ पाकर और भी अच्छा हो जाता है ये बच्चा बोल रहा है अब आगे देखते हैं अगला स्टेंजा क्या है बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे अंडर क्रूअल आई आउट वॉर्न The little ones spend the day in sighing and dismay. अब बच्चा दूसरे पल क्या बोलता है पहले तो पल बोलता है कि सुबह में उठना बड़ा अच्छा लगता है चिड़ियों की चचाहट सुनने में बहुत बड़ा मजा आता है, है ना और जब चिड़िया हर पेड़ पर गाती है और उनका साथ मुझे मिल जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन दूसरे पल जब उसको स्कूल जाना होता है वो क्या बोलता है वो बोलता है कि सुबह में उठना तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन गर्मियों की सुबह में स्कूल जाना ओह यह हमारी सारी खुशियों को भगा देता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न लेकिन गर्मियों की सुबह में स्कूल जाना ओ इट ड्राइव्स ऑल द जॉय अवे ओ यह हमारी सारी खुशियों को भगा देता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है स्कूल जाना अंडर ए क्रूअल आई आउट ऑन द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिस्मे आगे बोलता है कि जब वे स्कूल में जाते हैं तो उन्हें कड़ी निगरानी में रखा जाता है क्रूएल आई का मतलब क्या क्रूवल आई का मतलब टीचर की निगाहें हैं अब बच्चा बाहर खेल रहा था ठीक है कोई उसे डांटने वाला नहीं है कितनी भी बदमाशी कर रहा है लेकिन स्कूल में जब वो आया है तो टीचर तो उसे बोलेगा भाई होमवर्क दिखलाओ चलो क्लास वर्क बना के दिखलाओ क्लास वर्क में ये ये मुझे मैं आपको देता हूँ ये एडिशन दे रहा हूँ ये सब्ट्रैक्शन दे रहा हूँ आप बना के दिखाओ तो बच्चे पे तो निगाह कौन रखेगा टीचर रखेगा है ना वो मस्ती तो कर नहीं सकता है खेल कूद नहीं सकता है तो वो बोल रहा है अंडर ए क्रूअल आई आउटवर्ड यानी कि जब वो बच्चा स्कूल में जाता है तो उसे कड़ी निगरानी में रखा जाता है द लिटिल वंस स्पेंड द डे छोटे बच्चे पूरा दिन अपना समय स्कूल में बिताते हैं इन साइंग एंड डिस्मे साइंग का मतलब होता है आहें भरना डिस्मे का मतलब निराश छोटे बच्चे दिन भर आहें भरने और निराशा में बिताते हैं द लिटिल वंस स्पेंड द डे छोटे बच्चे पूरा दिन अपना समय स्कूल में बिताते हैं दिन भर वे आहें भरते हैं और निराश रहते हैं वो बच्चा बोल रहा है ना इसको बाहर में खेलने का मौका मिला था तो बहुत अच्छा था और जब स्कूल में इसको आने का आ, हो रहा है तो ये बोल रहा है कि बड़ा बकवास हो रहा है भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए चलिए आगे देख लेते हैं थर्ड स्टैंड आह दिन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सीट आई एन मेनी मीनिंग एन आर नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलइट नॉर सेट इन लर्निंग बोअ बावर वन थ्रू विद द डि शावर बैटरी भी डाउन है चलिए देखते हैं आह देन एट टाइम्स आई ड्रुपिंग सीट ओह तब मुझे घंटों तक झुककर बैठना पड़ता है ड्रुपिंग का मतलब क्या था शोल्डर को डाउन करना शोल्डर को डाउन करके बैठ रहा, बैठना तो बच्चा जब बेंच पे बैठता है ना तो थोड़ा झुक के बैठता है एंडर स्पेंड मैनी एंड एंगसेस आर और मुझे कई बोरियत भरे घंटे क्लास में बिताने पड़ते हैं नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलइट न तो अपने किताबों में मुझे खुशी मिलती है नॉर सिट इन लर्निंग्स बावर न तो मुझे क्लासरूम में बैठकर खुशी मिलती है वो दोनों बात बता रहा है न किताब में उसे मज़ा आ रहा है और न क्लास में बैठ मज़ा आ रहा है वॉन थ्रो विद द डीरे शावर टीचर के लगातार क्लास लेने से मैं बिल्कुल थक गया हूँ अब टीचर लगातार क्लास ले रहे हैं पहली घंटी पहली पीरियड खत्म हुई दूसरी पीरियड तीसरी पीरियड उसे कहीं बाहर भी जाने का मौका नहीं मिल रहा है खेलने का भी मौका नहीं मिल रहा है तो क्या बोल रहा है कि टीचर के लगातार क्लास लेने से मैं बिल्कुल थक गया हूं नेक्स्ट देख लेते हैं हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन ए केज एंड सिंग हाउ कैन अ चाइल्ड वेन फियर्स एनॉय बट ड्रुप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल अब वह बच्चा जो है ना अपनी तुलना उस पक्षी से कर रहा है जो पक्षी आ, केज में होते हैं पिंजड़े में होते हैं उससे वो अपनी तुलना कर रहा है मतलब उसका कहने का मतलब है कि स्कूल जो है ना वो पिंजड़े की तरह है जेल की तरह है अपनी तुलना वो क्या कर रहा है कि ऐसे पौधे से कर रहा है जो मतलब अभी खिले नहीं है और उनको तोड़ लिया गया है ऐसे फूल से वो तुलना कर रहा है अपनी आगे के स्टैंड में आपको मालूम चलेगा बोल रहे हैं हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग आनंद मस्ती जॉय के लिए पैदा हुई चिड़िया कैसे एक पिंजरे में बैठ कर गा सकती है मतलब मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ कैसे मुझे छोटे से आप कमरे में भेज दे रहे हैं दिन भर बैठने के लिए संभव है क्या मैं छोटा सा बच्चा हूँ मुझे खेलने कूदने दो वो बच्चा ऐसा बोल रहा है हाउ कैन अ चाइल्ड वेन फीयर्स एनॉय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग हाउ कैन ए चाइल्ड वेन फीयर्स नॉय मतलब अगर एक बच्चा डरा रहेगा तो बट ड्रूप्स हिज टेंडर विंग तो कैसे अपने मुलायम पंखों को फैला पाएगा टेंडर का मतलब होता है मुलायम तो कैसे अपने पंक, मुलायम पंखों को फैला पाएगा अब एक बच्चा अगर डरा रहेगा तो कैसे वो आगे बढ़ पाएगा एंड फॉरगेट इज यूथफुल स्प्रिंग और अगर वह अपने पंखों को नहीं फैलाएगा तो जिंदगी के सुनहरे पनों को खो देगा अपनी तुलनाओं देखिए किससे कर रहा है चिड़िया से कर रहा है हाउ कैन ए चाइल्ड वैन फियर से नॉय अगर एक बच्चा डरा रहेगा अगर चिड़िया का बच्चा डरा रहेगा तो अपने पंख कैसे फैलाएगा और जब पंख नहीं फैलाएगा तो अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएगा यानी अगर बच्चे को आप दिन भर आप पिंजड़ों में डाल कर रखेंगे स्कूल नामक पिंजड़े में आप डाल देंगे यहाँ पर देखिए स्कूल को पिंजड़े से तुलना कर रहा है कि तो अगर स्कूल में आप बच्चे को डाल दीजिएगा तो बच्चा अपनी ज़िंदगी कैसे जिएगा उसे खेलना है कूदना है मस्ती करना है उसका दिमाग विकसित होगा तो वो ऐसा बोल रहा है लेकिन आप पिंजरे में आप उसको डाल दिए उसकी पूरी जिंदगी आपने बर्बाद करके रख दी है तो अपनी तुलना वो पक्षी से कर रहा है ठीक ना आगे है ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निब्ड क्या बोल रहा है ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निब्ड एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देअर ज्वाय इन द स्प्रिंग डे बाई स पिता हे मेरे माता और पिता कलिया काट दी जाए एंड ब्लॉसम ब्लो अवे तो क्या तो क्या फूल खिल पाएगा अगर कलियों को हम काट दें बड़ मतलब होता है कली फूल खिलने से पहले कली और कली क्या होता है अगले दिन सुबह में आप देख जाके देखोगे तो कली फूल बन जाती है है ना तो अपने मम्मी पापा से बोल रहा है कि मेरे माता पिता आप कलियों को अगर काट देंगे तो क्या वो फूल बन मैं बन पाएगा नहीं हो पा हो पाएगा यानी कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ अगर आप मुझे खेलने कूदने नहीं दोगे तो क्या मैं बड़ा बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिक्ट अगर हम लोग मुलायम पौधों को नष्ट कर देंगे ऑफ देर ज्वाय इन द स्प्रिंगिंग डे तो क्या स्प्रिंग मौसम में हम इन फूलों को देख पाएंगे बाई स अगर इन्हें दुख और निराशा मिलेगी तो क्या स्प्रिंग मौसम में हम इन फूलों को देख पाएंगे फिर से इसको देख लेते हैं एक बार वो फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निब्ड हे मेरे माता पिता अगर इन कलियों को काट दिया गया तो क्या यह फूल बन पाएगा और अगर हम लोग इन मुलायम पौधों को नष्ट कर देंगे और अगर इन्हें दुख और निराशा मिलेगी तो क्या स्प्रिंग मौसम में हम इन फूलों को देख पाएंगे बिल्कुल नहीं देख पाएंगे अपने माता पिता से वो बोल रहा है कि अगर मुझे आप खेलने कूदने नहीं दीजिएगा बाहर मुझे जाने नहीं दीजिएगा तो क्या मेरा विकास हो पाएगा क्या मैं क्या मेरी बुद्धि बढ़ पाएगी क्या मैं अच्छे तरह से सोच पाऊँगा नहीं माता पिता ऐसा नहीं हो पाएगा वो अपनी मम्मी पापा को समझा रहा है कि मुझे भी आप खेलने कूदने दीजिए और अपनी तुलना उस फूल से कर रहा है उस पौधे से कर रहा है हाउ शेल द समर राइज इन्जॉय समर जॉय का जो है ना इसमें है कि समर हाउ शैल द समर राइज जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर वो बोल रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में आनंद कैसे उत्पन्न होगी ग्रीष्म ऋतु में फल कैसे आएंगे और हाउ शैल वी गैदर वाट ग्रीप्स डिस्ट्रॉय और ब्लेस द मेलोइंग ईयर द ब्लास्ट ऑफ विंटर अपीयर जो दुख नाश करते हैं उसे हम कैसे इकट्ठा करें इस सुहावने वर्ष को आशीर्वाद दें जब सर्दी का मौसम दिखाई दे तो ये बच्चा है छोटा सा बालक अपनी पात रख रहा है पेरेंट्स के सामने और तुलना कर रहा है कभी पक्षियों से कभी पौधों से कभी फूल की कलियों से और अपनी बात वो को रखना चाहता है तो यही था विलियम ब्लेक के द्वारा लिखा हुआ इस कविता का नाम है द स्कूल बॉय थैंक्स